गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। वेलकम है आप लोगों का सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं डॉक्टर रवि जांगे और मेरे साथ में सर है ओपी सर। आज हम लोग आप लोगों के साथ में गुरु नीति का जो लास्ट पार्ट है, जेई की जो हमारी गुरु नीति चल रही है 34/34, उसे सॉल्व करने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड की ये गुरु नीति है और सर क्या क्या कंसेप्ट हम लोगों ने इसमें इंक्लूड कर रखा है? इसके अंदर मोस्टली अपन फैराडे के लॉ इंक्लूड कर रखे हैं, कूल रॉन्स लॉ इंक्लूड कर रखा है और जितनी भी बैटरियां हैं, फ्यूल सेल है, लेड स्टोरेज सेल है, जो दो इलेक्ट्रोलाइसिस है, वो सब उन सब के कांसेप्ट हम लोगों ने इसके अंदर इंक्लूड किए। ऑलरेडी इससे अर्लियर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें नर्स्ट इक्वेशन, टाइप ऑफ सेल्स, वो सब हम लोग कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहला क्वेश्चन, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पास थ्रू पी सॉल्यूशन in succession containing AgNO3, CuSO4 and AuCl3 respectively. The molar ratio of amount of cations reduced at cathode will be, ठीक है? हम लोग इसको फैराडे के फर्स्ट लॉ से भी कर सकते हैं, सेकंड लॉ से भी कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग, एक बहुत सिंपल सा हम लोगों ने पढ़ा है कि वेट डिपॉजिटेड इट इज इक्वल्स टू ZIT होता है, ठीक है? Z मेरा केमिकल इक्विवेलेंस है, I जो भी करंट है, T जो भी टाइम है, और ये जो Z होता है उसे मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500 इनटू I इनटू T टाइम। अच्छा, जो इक्विवेलेंट वेट है उसे भी हम लोग फर्दर इस तरीके से लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर जो भी है कि कितने से कितने में चेंज हो रहा है, इनटू I इनटू T, और नीचे 96500। और इस मोल, जो मोलर मास है, मोलर मास है ये हमारे पास, इसी मोलर मास को अगर मैं इधर ले आऊं कि जो भी वेट है डिवाइड बाय मोलर मास, तो ये किसके इक्वल हो गया हमारे पास, ये मोल्स के इक्वल हो गया। जी सर। और मोल्स जो है इट इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा मेरे पास, इट इज इक्वल्स टू I T अपॉन वैलेंसी फैक्टर VA लिख रहा हूं मैं इसको, इनटू 96500। अब क्योंकि मुझे यहां पे ये दे रखा है कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये I T और 96500, ये सारा कांस्टेंट हो गया, डायरेक्टली मैं देख सकता हूं कि मेरे पास जो भी मोल डिपॉजिट होंगे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी, वैलेंसी फैक्टर। जी सर। तो देखो क्या-क्या दे रखा है मुझे, AgNO3 दे रखा है, CuSO4 दे रखा है, AuCl3 दे रखा है। AgNO3, CuSO4 और AuCl3, इसमें वैलेंसी फैक्टर मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है। तो मोल्स डिपॉजिट जो है, अगर वो मैं मानूं कि इसका मोल डिपॉजिट जो है वो M है, इसका भी मैं M मान लूं या M2 बोल देते हैं इसको, M1, M2 और ये M3, it is inversely proportional to valency factor, तो 1 upon इसका valency factor 1, इसका valency factor कितना है 1/2, इसका valency factor कितना है 1/3। तो यही हमसे पूछा कि moles का जो ratio होगा, जो हमारे पास deposit हो रहा है उनका ratio क्या होगा, तो क्या आ जाएगा 1/1, 1/2, 1/3। और या फिर अगर मैं इसको और देखूं तो क्या लिख सकता था इसको, मैं 6:3/2 लिख सकता हूं। अब ऑप्शंस देख लेते हैं हमें क्या-क्या दे रखा है, हमें ऑप्शन 1 2 3 दे रखे हैं, नहीं होगा 1/1, 1/2, 1/3, बिल्कुल यही कैलकुलेट किया हम लोगों ने, 3 2 1 और 2 3 6, नहीं, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो बच्चों, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, किसी भी सॉल्ट के लिए जो उस पे चार्ज प्रेजेंट होता है वो उसका क्या कहलाता है, वैलेंसी फैक्टर। बिल्कुल बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम मेटल इज फॉर्मड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज NaCl, यानी कि फ्यूज NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम मेटल है उसका फॉर्मेशन होगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ हेलियम फ्रॉम फ्यूज Na3AlF6 विद द सेम करंट पास, यानी ये फैराडे का सेकंड लॉ है। बिल्कुल सर। ये दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो सीरीज के अंदर क्या है, कनेक्टेड है। तो सोडियम का 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर डिपॉजिट हो रहा है तो इसका भी क्या होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। और उसमें एल्युमिनियम पूछा है हमसे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1, और ग्राम इक्विवेलेंट पर क्या होता है, मोल इनटू n फैक्टर, और इसका n फैक्टर कितना है, n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। और इसका n फैक्टर कितना है, 3, तो मोल क्या आ जाएगा, 1 मोल इनटू इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 3, तो मोल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3।
which means third option is correct. बिल्कुल. Next चलते हैं हम लोग. Next question दे रखा है, current of 2 ampere was passed through 1 hour to a solution of CuSO4. जो copper ions deposit हो रहे हैं हमारे पास, वो 0.237 gram है. At the cathode, the current efficiency is. सर फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं हम लोग. फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं सर. और हमारे पास में है कि वेट इज इक्वल्स टू जेड आई और ये टाइम. आई मेरे पास करंट है, तो मैं एक काम करता हूं कि मैं यहां से आई की वैल्यू निकाल लेता हूं और फिर करंट की एफिशिएंसी देख लेंगे. तो वेट जो डिपॉजिट हो रहा है वो 0.237 है. जेड इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, ये कॉपर प्लस 2 से रिड्यूस होगा तो प्लस 2 है, प्लस 2 से 0 में जाएगा. तो इसका मास होता है 63.5, वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया इनटू 96500 इनटू आई की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं. टाइम मुझे रखना है, टाइम हमेशा सेकंड्स में रखना है, 1 आवर दे रखा है, तो मतलब 60 मिनट्स इनटू 60 सेकंड्स हो गया ये. अब यहां से आई की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 0.237 इनटू 2 इनटू 96500 जी सर डिवाइडेड बाय 63.5 इनटू 3600. इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 0.2 एम्पीयर के अराउंड आएगी, 0.2 एम्पीयर आ जाएगा. ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, लेकिन हमें करंट दे कितना रखा है, हमें 2 एम्पीयर करंट दे रखा है. तो करंट एफिशिएंसी जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, करंट एफिशिएंसी वो क्या लिख देंगे हम लोग, 0.2 अपॉन 2 इनटू 100. और बच्चों ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10% आंसर आ जाएगा. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4 है, 0.224 लीटर ऑफ H2 गैस इज फॉर्म एट द कैथोड, द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस फॉर्म एट द एनोड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन. अपन मान लेते हैं कि एक कैथोड है और दूसरा एनोड है. एनोड क्या होता है, इसके अंदर पॉजिटिव होता है, और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है. माने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है जिसमें H+ और OH- आयन के डोमिनेंट है, तो H+ आयन कहां पे जाएगा, इस कैथोड पे जाएगा. तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन टू H+ आयन, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किस में जाएगा, H2 गैस. और OH- आयन है वो कहां पे जाएगा, एनोड पे. एट एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, 2 OH- आयन से H2O + 1/2 O2 + 2 इलेक्ट्रॉन. तो एनोड पे रिडक्शन होगा कैथोड पे, सॉरी कैथोड पे रिडक्शन होगा, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. तो देखो हाइड्रोजन का तो कितना मोल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, और ऑक्सीजन का कितना मोल बन रहा है, 1/2 मोल बन रहा है. तो देखो हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम है, 0.22 लीटर. हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो क्या है, 0.224 लीटर. तो बताओ ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का इससे 1/2 होगा, तो इसका 1/2 क्या हो जाएगा, 0.112 लीटर. इट मींस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. बिल्कुल. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट अ वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम विद अंडर रूट सी फॉर AgNO3. जी सर, डी बाय हकल ऑनसेगर इक्वेशन हम लोग यहां पे यूज ले सकते हैं, जो कि किसके लिए एप्लीकेबल होती है, स्टोर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए. सर और सर AgNO3 एक सॉल्ट है अपने पास, सर मतलब एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है. तो इसका जो ग्राफ आता है हमारे पास वो किस तरीके से लेते हैं हम लोग, ये लैम्डा एम है, ये अंडर रूट सी है, कंसंट्रेशन इस तरफ इंक्रीज हो रही है. तो अगर मैं डाइल्यूशन करूं तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में इसका जो लैम्डा एम है वो इंक्रीज होता है. जी सर, ठीक है. फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, यही अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता मेरे पास तो इस तरीके से एक स्टीप इंक्रीज करवाते हैं हम लोग, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए. जी सर, तो सर यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें हम लोग तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा. तो बस यही देखना था कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 H2SO4 HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ X1 X2 एंड X3 रेस्पेक्टिवली, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बेरियम सल्फेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी. आपको देखो इनकी मोलर कंडक्टेंस आपको दे रखी है, आपको इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछी किसकी, BaSO4 बेरियम सल्फेट. तो आपको मोलर कंडक्टेंस दे रही है तो क्यों ना इनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल ले अपन. और तो डेल्टा इक्यू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस अपॉन उसका एम फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर. वैलेंसी फैक्टर तो इसकी
मोलर कंडक्टेंस है x1 और इसका वैलेंस फैक्टर क्या होगा, तो जैसा कि सर ने बताया जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो उसका क्या कहलाता है, वैलेंस फैक्टर कहलाता है। और इसका लैम्डा इक्विवेलेंट कितना होगा, x मोलर कंडक्टेंस x2 और इसका फैक्टर कितना हो जाएगा 2 2 और इसका मोलर कंडक्टेंस की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टेंस के इक्वल होगी क्योंकि इसका फैक्टर क्या होगा 1 1 ये x3 होगा। अब आपने क्या किया, तीनों की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल ली और आपको बेरियम सल्फेट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी है। तो बेरियम सल्फेट में दो टाइप के आयन होंगे Ba+2 और SO4-2। तो ये कहां से मिलेंगे आपको, तीनों इलेक्ट्रोलाइट को चेक करो, देखो यहां से बेरियम प्लस टू मिलेगा, यहां से सल्फेट आयन मिलेगा, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो लैम्डा इक्विवेलेंट BaSO4 ये इनफाइनाइट डाइजेशन पर पूछी है, तो इन दोनों को ऐड करो तो इसको x1/2 प्लस x2/2 माइनस का x3, ये आपके पास बेरियम सल्फेट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ गई। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आई थिंक सर इसको आप सॉल्व करोगे तो फोर्थ ऑप्शन आपके पास ऑप्टेन होगा, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, सही है। हाँ तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 एम एसिटिक एसिड इज 7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपको दे रखी है। इफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 380.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये कोलराउस लॉ की जो एप्लीकेशंस है वहां से क्वेश्चन है। तो आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा किसका, एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एसिड इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का अल्फा, और वीक एसिड के लिए अल्फा बहुत ही कम होता है, इसको अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं, 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर। तो आपको कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1, अब आपको अल्फा निकालना, तो अल्फा कैसे निकालोगे, आपने कोलराउस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़े हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट सी कंसंट्रेशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जो आपके पास क्या है, सी कंसंट्रेशन पे 0.1 एम एसिटिक एसिड पे कंसंट्रेशन आपको सर 7 दे रखी है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दे रखी है 380.8, ये आपके पास अल्फा आ गया, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो आप, तो k इक्वल टू क्या आएगा, तो k इक्वल टू आ जाएगा 0.1 इनटू अल्फा की वैल्यू क्या है 7 अपॉन 380.8 का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 3.4 इनटू 10 की पावर माइनस का 5 सेंटीमीटर, यानी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी 3.44 इनटू 10 की पावर माइनस 5 एग्जैक्ट सॉल्व करोगे एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल सर जी सर। थैंक यू, नेक्स्ट क्वेश्चन एट नंबर, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ AgCl एट 298 केल्विन इज फाउंड टू बी, ये वैल्यू दे रखी है 1.382 इनटू 10 की पावर माइनस 6 AgCl की कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है, द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Ag + Cl - एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, सॉलिडिटी ऑफ AgCl पूछी है हमसे। तो सर ये भी मेरे पास कोलराउस लॉ का एप्लीकेशन है, और सॉलिडिटी अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल्स टू कप्पा इनटू 1000 डिवाइड बाय लैम्डा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, बिल्कुल सही। और यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज रखूं तो मेरे पास जो k की वैल्यू दे रखी है वो 1.382 इनटू 10 की पावर 6 दे रखी है इनटू 1000 भी है, और लैम्डा m इनफिनिटी है, मुझे अलग-अलग आयंस की दे रखी है Ag+ की और Cl- की, तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं 61.9 और 76.3 तो ये मेरे पास आ जाएगा 138.2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ओवरऑल जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10 की पावर -5 मोल लीटर इनवर्स। सॉल्युबिलिटी है मतलब एक तरीके से कंसंट्रेशन ही है, यूनिट्स के साथ में रखेंगे तो बिल्कुल सर मोल लीटर इनवर्स। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, H2O2 फ्यूल सेल है जो काफी इंपॉर्टेंट है, फ्यूल सेल का रिएक्शन अकर्स एट कैथोड, तो सबसे पहले अपन फ्यूल सेल बनाते हैं, फ्यूल सेल का डायग्राम बनाते हैं, तो इसमें एक एनोड है दूसरा कैथोड है, एक साइड से तो कौन सी गैस पास करोगे आप हाइड्रोजन और दूसरी साइड से कौन सी गैस पास करोगे H2O2 ऑक्सीजन,
तो ये मान लिया कि क्या है, कैथोड है, तो कैथोड की साइड से तो अपन ऑक्सीजन गैस पास करेंगे और एनोड की साइड से क्या पास करेंगे अपन H2 गैस पास करेंगे और इसमें यूजफुल जो प्रोडक्ट बनता है वो किसका फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन, ठीक है सर। तो आपको किसमें कैथोड पे रिएक्शन पूछिए, तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2 और किसका फॉर्मेशन होगा, 4 OH माइनस का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही आप एनोड पे रिएक्शन देख सकते हो, लेकिन अपने को किसको पूछिए, कैथोड पे पूछिए, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। और सर ये जो फ्यूल सेल है इसको हम लोग मोस्टली सबमरीन्स और स्पेसशिप्स में यूज करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वाटर का फॉर्मेशन होता है प्लस हमें एनर्जी भी दे रहा है, काफी कॉस्टली सेल है, तो बेसिकली अपन यूज नहीं कर सकते, बेसिकली यूज नहीं कर सकते स्पेस में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, when the sample of copper with zinc impurity is to be purified by electrolysis the appropriate electrode are, ठीक है कि मुझे जो copper का एक solution दे रखा है, copper है जिसमें zinc की impurities है और मुझे क्या करना है, उसे purify करना है, तो कौन सा electrode मैं क्या लूँ। तो देखो भैया बहुत simple सा concept है कि हमेशा यहाँ पे जो cell है हमारा, हमारे पास में उसमें cathode भी क्या करते हैं हम लोग, सर रिडक्शन करते हैं, वहां पे डिपोजिशन होता है। जी सर। तो अगर मेरे पास कहीं भी कोई मेटल को डिपॉजिट करना है, कौन सा मेटल डिपॉजिट करना है, मुझे यहाँ पे कॉपर मेटल डिपॉजिट करना है, तो उसको क्या लूंगा मैं, प्योर होगा वो, जो भी चीज डिपॉजिट हो रही है वो मेरे पास प्योर होनी चाहिए, तो प्योर क्या लूंगा मैं यहाँ पे, कैथोड लूंगा जो कि किसका होगा, कॉपर का, और इम्प्योर क्या होगा फिर मेरे पास, एनोड होगा। तो अगर मैं इसको देखूं, प्योर जिंक इज कैथोड एंड प्योर एनोड कॉपर इज एनोड, नहीं बिल्कुल नहीं, हमें कैथोड प्योर लेना है वो भी कॉपर का, इम्प्योर सैंपल इज कैथोड नहीं, इम्प्योर जिंक इज कैथोड नहीं, प्योर कॉपर इज कैथोड एंड इम्प्योर सैंपल इज एनोड, क्योंकि पहले क्या होगा, पहले एनोड के ऊपर हम लोग देखेंगे कि इम्प्योर सैंपल लिया तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, जो भी मेरे पास कॉपर होगा वो एनोड से सॉल्यूशन में जाएगा, कॉपर प्लस टू बनाएगा और फिर क्या होगा, कॉपर प्लस टू का रिडक्शन होगा और वो जाके डिपॉजिट हो जाएगा, तो ये मेरे पास प्योर होगा जो कि कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगा और ये जो होगा वो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो इसमें जिंक की भी इंप्यूरिटीज होगी, तो जो ऑक्सीडेशन हम लोग करवाएंगे वो इतना ही वोल्टेज देंगे कि सिर्फ कॉपर प्लस टू ही चेंज हो। इसमें सर एक एनोड मड भी होता है ना, बिल्कुल सर, एनोड मड भी होता है, जो इंप्यूरिटीज हमारे पास में बच जाती है उसे ही हम लोग एनोड मड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, द टू एक्वा सॉल्यूशन ए है जिसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और बी है वो LiCl सॉल्यूशन है बट इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्या होता है, इननेट इलेक्ट्रोड होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी, आपको पीएच पूछिए, तो एक तो सॉल्यूशन किसका है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का ले लेते हैं, दूसरा किसका ले लेते हैं, LiCl का ले लेते हैं, ये एनोड है, ये कैथोड है, एनोड और कैथोड। तो इसमें एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, इसमें एनोड पॉजिटिव और कैथोड क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब इसमें किसका सॉल्यूशन दिया आपने, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट का, तो इसमें कौन कौन से आयन होंगे, Ag प्लस और नाइट्रेट आयन और वाटर के भी आयन होंगे, H प्लस और OH माइनस, एक्वस सॉल्यूशन हमें दिया रखा है। जी सर। अब देखो आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो इस कैथोड जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है उस पे ये Ag+ और H+ आयन जाएगी। अब इसमें से कौन सा आयन पहले जाएगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, तो Ag+ आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, तो इस कैथोड पे क्या जमा होगी, सिल्वर मेटल जमा होगी। इन दोनों नेगेटिव आयन में कौन सा आयन जाके माइग्रेट होगा, OH- आयन जाके माइग्रेट होगा, तो एनोड पे आपको कौन सी गैस मिलेगी, ऑक्सीजन गैस मिलेगी। अबकी बार क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, एच प्लस एन आके क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, ठीक है, और एल क्लोरीन और OH- आयन में क्लोरीन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, तो यहाँ पे Cl2 गैस क्या हो जाएगी, ऑक्यूपाई हो जाएगी, तो बचेगा क्या सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन हो गया, तो पीएच क्या हो जाएगी, बिल्कुल सर, पहले वाले में पीएच डिक्रीज और सेकंड वाले में पीएच क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इट मींस फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, डिक्रीज इन ए एंड इंक्रीज इन बी। मतलब सर ओवरऑल अगर देखें हम लोग
तो ये ओवरऑल जो क्वेश्चन था वो डिस्चार्ज पोटेंशियल पे बेस्ड जी सर डायरेक्टली उससे सॉल्व कर सकते हैं. व्हेन आयरन इज रस्टेड इट इज बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर रस्टिंग होती है हमारे पास आयरन की तो वहां पे क्या होता है नॉर्मल आयन जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है और वो चेंज हो जाता है अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में Fe+2 में हम लोग करते हैं तो क्या होगा आयरन इज रस्टेड ऑक्सीडाइज्ड होता है और ये एनोड के ऊपर होता है जी सर एनोड पे जैसा ऑक्सीडेशन होता है इट मींस ऑक्सीडाइज हो गया ठीक है एनोड के ऊपर आयरन का ऑक्सीडेशन होता है बिल्कुल सर. क्वेश्चन नंबर 13 है द रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस एज फॉलो यानी कि ये रिएक्शंस दे रखी है रस्टिंग ऑफ आयरन की और दोनों के आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं आपसे क्या पूछा है डेल्टा जी नोड पूछा है और वी नो दैट डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू क्या होता है चेंज इन गिब्स एनर्जी एट 298 केल्विन जो यूजफुल वेक्टर में काम आते हैं डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू माइनस का nf e नोड सेल n यहां पे क्या नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन जो कितने हैं n इज इक्वल टू 2 और f इज इक्वल टू 1 फॉर एंड इज इक्वल टू क्या होता है 96500 कूलम. अब आपको e नोड सेल निकालना है e नोड सेल आप कैसे निकालोगे e नोड सेल इज इक्वल टू e नोड रिडक्शन कैथोड माइनस का ई नॉट रिडक्शन एनोड ठीक है तो इन दोनों में देखो सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका है एस प्लस एन के तो ये आप कैथोड पे पुट करोगे तो 1.23 माइनस माइनस ऑफ 0.44 इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 1.67 वाट. अब आप डेल्टा जी नोड कैलकुलेट करो तो डेल्टा जी नोड इक्वल टू क्या होता है माइनस का 2 इनटू 96500 इनटू 1.67 वोल्ट जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 322 किलो जूल पर मोल और ये किस में आएगी नेगेटिव इट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट बिल्कुल सर. नेक्स्ट इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuBr2 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स कॉपर Br2 CuBr2 का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं हम लोग यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स तो सर इसको देखते हैं वही डिस्चार्ज पोटेंशियल का ही क्वेश्चन है हमारे पास. अगर हम लोग देखें तो एक सिंपल सा हम लोग डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ कैटायन एनायन की सीरीज देख लेते हैं जी सर. अगर हम लोग कैटायंस का देखें तो एक सिंपल सा ये होता है हमारे पास लिथियम प्लस टू सॉरी लिथियम प्लस वन हाई रिएक्टिव मेटल्स पहले आते हैं बिल्कुल हाई रिएक्टिव मेटल पहले आते हैं Na plus K plus Ca plus 2 Mg plus 2 Al plus 3 Zinc plus 2 Nickel plus 2 उसके बाद H plus होता है उसके बाद में हम लोग देखते हैं Copper plus 1 Hg plus 2 Ag plus 1 Au plus 3 ये कैटायंस का एक डिस्चार्ज पोटेंशियल की सीरीज है ऑन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड सर जी सर. अगर मैं एनायंस का देखूं तो मेरे पास में होता है सल्फेट नाइट्रेट हाइड्रोक्साइड क्लोराइड ब्रोमाइड तो अभी हमें CuBr2 का एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है मतलब एक तरफ अगर कैथोड पे मैं देखूंगा तो मेरे पास में कौन कौन से आयंस होंगे जिनका रिडक्शन होना है एक्वस दे रखा है तो H+ होगा एंड Cu+2 होगा और एनोड अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास में कौन कौन से anions हैं जिनका oxidation होना है तो aqueous देखें तो OH- minus होगा और Br- होगा तो यहाँ पे जो discharge potential है वो कम किसका है copper +1 +2 भी आता है यहाँ पे तो copper +2 का मेरे पास reduction होगा मतलब ये change हो जाएगा Cu में copper deposit हो जाएगा on cathode और अगर OH- और Br- में देखूं तो मेरे पास जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो Br- का कम है मेरे पास एनोड के ऊपर क्या हो जाएगा Br2 हो जाएगा तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ऑप्शंस को देखें तो हमें पहला दे रखा Br2 गैसेस इवॉल्वड एट द एनोड बिल्कुल एनोड के ऊपर Br2 है Cu इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड ये भी सही है Br2 गैसेस इवॉल्वड एट एनोड एंड H2 गैसेस कैथोड नहीं गलत है H2 गैसेस इवॉल्वड एट एनोड ये भी गलत है मतलब करेक्ट आंसर हमारे पास 1 एंड 2 हो जाएंगे मोर देन 1 से ठीक है. चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए करंट ऑफ 2.6 एम्पीयर इज पास फॉर 1 आवर्स थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड. देखो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और कॉपर इलेक्ट्रोड लिया इससे पहले भी सर ने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था जब इंप्यूरिटी मतलब कि जब भी इंप्यूरिटीज को प्योर करना है तो आपको इस टाइप की सॉल्यूशन लेना है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. तो देखो
जनरली अपन किसके इलेक्ट्रॉन लेते हैं, प्लेटिनम के इलेक्ट्रॉन लेते हैं जनरली लेते हैं, जबकि इसमें क्या ले रखा है, कॉपर का इलेक्ट्रॉन ले रखा है और कॉपर को ही डिपॉजिट, और कॉपर को ही आपको क्या करना है, डिपॉजिट करना है कॉपर सल्फेट का लेयर का इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो एनोड क्या लेते हैं, इंप्योर कॉपर लेते हैं, क्यों सर? बिल्कुल सर। और कैथोड क्या लेते हैं, प्योर प्योर कॉपर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया पॉजिटिव और ये क्या हो गया नेगेटिव। तो एनोड पे हमेशा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन होता है। तो जितना कॉपर प्लस टू, ये एनोड है वो इंप्योर कॉपर का है, तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये कॉपर प्लस टू की फॉर्म में रिलीज होगा, सॉल्यूशन में आ सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा और इंप्योरिटीज नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और ये किस पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो गया। तो जितना मास यहां से डिग्रेड हुआ उतना ही मास क्या हो गया, कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो गया। तो देखो कैथोड पे क्या हो गया, मास डिपॉजिट होगा और एनोड से मास धीरे-धीरे क्या होगा, डिग्रेड होगा। तो इंक्रीज इन मास ऑफ कैथोड कितना है, 3.174 ग्राम। ये भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सर उस फैराडे के फर्स्ट लॉ से, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उससे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, फैराडे का फर्स्ट लॉ से W / E = I * T * 96500 कूलम, ठीक है। तो वेट आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, कॉपर प्लस 2 की फॉर्म में रहता है और इसका मोलर मास कितना होता है, 63.5/2 = करंट कितनी देर की इसके अंदर, 2.6 एम्पीयर into 60 into 61 hours के लिए पास किए upon 96500 कूलम। तो यहाँ से जो वेट निकल के आएगा वो वेट कितना आएगा, 3.174 ग्राम। तो यहाँ से आपने क्या किया, वेट कैलकुलेट, वेट कैलकुलेट। और ये आपको सही कॉन्सेप्ट पता है कि जितना मास डिग्रेड होगा उतना ही मास क्या होगा, कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगा। तो इतना मास तो क्या होगा, इस कैथोड एनोड से क्या होगा, डिग्रेड होगा और कैथोड पे जाके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो इंक्रीज इन मास ऑफ कैथोड इज दिस बिल्कुल सही है, डिक्रीज इन मास ऑफ एनोड ये भी बिल्कुल सही है, नो चेंज इन मास ऑफ इलेक्ट्रोड ये बिल्कुल गलत है, मास का तो चेंज होगा। और आई थिंक जो एनोड होगा वो थोड़े टाइम के बाद में एकदम मतलब पतला हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, मोटा होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, वन फैराडे इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, एक फैराडे कितना चार्ज होता है, दैट लिबरेट्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। बिल्कुल आई थिंक सर यही डेफिनेशन कहते हैं हम लोग, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब 1 फैराडे जो जितना डिपॉजिट करता है वही 1 फैराडे के इक्वल कहते हैं। 96515 कूलम्स, 1 मोल फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो हम 1 फैराडे कहते हैं सर। और अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो 6.03 × 10⁻²³ एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हो तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 96485 इसके अप्रोक्स आता है, मतलब हम लोग इसको वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा के 96500 कूलम ले लेते हैं अप्रोक्स करने के लिए, लेकिन एग्जैक्टली वो उससे कम होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। तो आई थिंक सर ये ऑप्शन गलत है, ये तो करेक्ट था ही। दैट लिबरेट्स 31.78 ग्राम ऑफ कॉपर। अब एक फैराडे जो होगा वो एक इक्विवेलेंट को डिपॉजिट करेगा, कॉपर का 1 इक्विवेलेंट जो होता है 63.5 उसका मास होगा, मोलर मास डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 31.78 बिल्कुल इतना ही डिपॉजिट होगा जी सर। दैट लिबरेट 1/2 ग्राम एटम ऑफ कॉपर, ग्राम एटम मतलब मोल दे दिया तो वही मोल कितना हो जाएगा, जो भी उसके इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट कितना है 1 डिवाइड बाय उसका वैलेंसी फैक्टर 2, 1/2, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, सिलेक्ट राइट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करके उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो उसके अंदर देखो क्या होता है, एक लेते हैं एनोड और एक लेते हैं कैथोड, इसमें एनोड क्या होता है पॉजिटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल से जस्ट रिवर्स होता है। उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए अपन क्या करते हैं, बैटरी का यूज करते हैं, तो सर बिल्कुल सर यहां पे क्या करेंगे, बैटरी का यूज करेंगे और बैटरी का यूज किया इट मींस आपने एक्सटर्नल सोर्स यूज कर लिया, तो ये नॉन स्पोंटेनियस रिएक्शन है।
एक तरीके से सर ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब वहां पे केमिकल एनर्जी रिएक्शन करवा के हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी गेन कर रहे हैं, मतलब एनर्जी हमें मिल रही है तो वो रिएक्शन अपने आप होगी। और यहाँ पे हम जबरदस्ती एनर्जी देके एक्सटर्नल सोर्स देके ड्राइविंग फोर्स ज्यादा एनर्जी देके हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं तो अपने आप होने वाली नहीं है, हम लोग करवा रहे हैं जबरदस्ती, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इट मींस डेल्टा जी है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 है। बिल्कुल सर, ग्रेटर देन 0। इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू ड्राइव ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बिल्कुल सही है। सेकंड है डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर द केमिकल प्रोसेस ड्यूरिंग, ये भी बिल्कुल सही है। कैटायन एंड एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड एंड कैथोड रेस्पेक्टिवली, बिल्कुल गलत है क्योंकि इसके अंदर को क्या होगा, कोई भी आयन जैसे Na+ है, OH- आयन है, तो यहाँ पे जो OH- आयन है ये नेगेटिव आयन है वो किस पे जाएगा, एनोड पे, जबकि इसमें क्या बता रहा है, उल्टा बता रहा है। और जो पॉजिटिव आयन है वो किस पे जाएगा, कैथोड पे, बिल्कुल गलत है। फोर्थ और वोल्टेज जनरली एसोसिएट विद इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये बिल्कुल सही है। ओवर वोल्टेज क्या होता है कि जनरली अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस सेल इलेक्ट्रोलाइसिस करने उसके लिए देखते हैं कि कितना जो एम्पियर या कितना करंट कितना वोल्टेज मुझे देना पड़ेगा, उससे जनरली हम लोग 0.4 0.6 वोल्टेज ज्यादा रखते हैं, उसे ओवर वोल्टेज कहते हैं। वो क्यों लेते हैं हम लोग, क्योंकि जनरली जैसे गैसेज होती है, H2 गैस लिब्रेट हो रही है या O2 गैस लिब्रेट हो रही है, वो क्या होती है हमारे इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाती है, उसी के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाती है। और अगर वो डिपॉजिट रही तो उस इलेक्ट्रोड की रिएक्टिविटी जो होगी, जो भी वो रिएक्शन कर रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग एक्स्ट्रा वोल्टेज देते हैं जो कि काम आता है उस गैस को बाहर लिब्रेट करने के लिए, उसे हम लोग ओवर वोल्टेज कहते हैं। तो ये गैसेस के लिए यूज लेते हैं हम लोग, इसलिए इज जनरली एसोसिएटेड विद इवोल्यूशन ऑफ O2। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, 18 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट विल प्रोड्यूस ऑक्सीजन एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी भी एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने डिस्चार्ज पोटेंशियल से रिलेटेड ही, जहां पे पूरी सीरीज बताई थी आप लोगों को, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। डायल्यूट H2 जो वो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे, तो अगर मैं कैथोड की बात करूं और एनोड की बात करूं तो यहां पे H+ भले ही वो मेरे पास में वाटर में से आए, एक्वा सॉल्यूशन या फिर H2O4+ का डिपोजिशन होगा कैथोड पे, लेकिन हमसे तो पूछा है ऑक्सीजन एंड एनोड चाहिए, तो एनोड पे हमारे पास कौन कौन से आयन है, मेरे पास सल्फेट आयन है और मेरे पास डाइल्यूट है, तो OH- आयन होंगे। और यहाँ पे जो डिपोजिशन होगा वो O2 का होगा, क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल OH का क्या होता है, कम होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फ्यूज्ड NaOH विद इनर्ट इलेक्ट्रोड, NaOH दे रखा है तो कोई भी इलेक्ट्रोड लो, यहाँ पे कोई वाटर वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, मेरे पास सिर्फ Na+ एंड OH- है, तो OH- अगेन क्या दे देगा, O2 दे देगा, तो ये भी करेक्ट है। डाइल्यूट H2SO4 विद कॉपर इलेक्ट्रोड, अगर कॉपर इलेक्ट्रोड सर दे दिया तो यहाँ पे तो कॉपर का ही ऑक्सीडेशन और कॉपर का ही रिडक्शन होगा, तो यहाँ तो O2 डिपॉजिट होने का कोई चांस ही नहीं होगा अपने पास, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। कंसंट्रेट एक्वस NaCl विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेट भी है लेकिन वाटर भी प्रेजेंट है मेरे पास, तो वाटर भी प्रेजेंट है तो अगेन यहाँ पे Na+ है, H+ है और इधर से आयंस क्या होंगे मेरे पास, एक OH- होगा, Cl- होगा, और इन दोनों में से डिस्चार्ज पोटेंशियल जो होता है वो Cl- का कम होता है, तो सर क्लोरीन डिपॉजिट होगा, यहाँ पे O2 डिपॉजिट नहीं होगा। जी सर, बिल्कुल, इट मींस फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, वो दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो पहला स्टेटमेंट है द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा क्या होती है, C × L/A, L अपन ये यहाँ पे क्या है, सेलफोन स्टेंट है, तो अपन एक सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रोड लेते हैं एनोड और कैथोड, L यहाँ पे क्या है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस, ये यहाँ पे क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, L यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेते हैं और A यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर लेते हैं, एरिया है तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो क्या कहलाती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। नेक्स्ट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीज विद मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज ऑन प्रोग्रेसिव डाइल्यूशन, तो देखो धीरे धीरे सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज इसलिए होगी क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगी, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। और मोलर कंडक्टेंस लैम्डा L इक्वल टू क्या होता है, K × Vm,
तो यहाँ पे आप डाइल्यूट करते जाओगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होती जाएगी और मोलर कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम, जो आयंस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। जी सर। तो मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वो इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन सर ने जैसे बताया कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो वो डिक्रीज हो जाता है। जी सर। थर्ड ऑप्शन है द लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड एग्जैक्टली बाय एक्स्ट्रा रोटेशन ऑफ द प्लॉट ऑफ लैम्डा इक्विवेलेंट अगेंस्ट रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये बिल्कुल स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज नहीं होते, जैसा कि सर ने आपको मोमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन ए लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखो एनोड किसका लेते हैं, लेड का लेते हैं, और जो कैथोड लेते हैं वो लेड ऑक्साइड का लेते हैं, PbO2। और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो किसका फॉर्मेशन होगा, Pb किस में जाएगा, Pb+2 में, तो PbSO4 का फॉर्मेशन होगा, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और सॉल्यूशन से यहाँ पे क्या आएगा, सल्फेट आयन आएगा। सेकंड कैथोड किसका लेंगे, PbO2 का, तो इसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो यहाँ पे लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, +4 है, जो किस में जाएगा, Pb+2 में जाएगा, तो लेड सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया, दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे यहाँ पे, गेन हो जाएंगे। अब देखो इधर दो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर वाटर के दो मॉलिक्यूल्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4H+ आयन आपके पास ऐड करने पड़ेंगे, ताकि हाइड्रोजन दोनों साइड क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, और सॉल्यूशन से क्या आ जाएगा, सल्फेट आयन यहाँ पे और ऐड हो जाए। ठीक है। अब नेट रिएक्शन निकला आप, ये है इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, तो नेट रिएक्शन क्या होगी, Pb+PbO2+4H+ आयन+2 सल्फेट आयन से 2 PbSO4 राइट हैंड साइड +2H2। इसको आप क्या लिख सकते हो, H2SO4 के दो मॉलिक्यूल्स। ये है इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग फाइनल रिएक्शन है। तो देखो पहला ऑप्शन है SO2 इज इवॉल्व, देखो SO2 कहीं भी रिलीज नहीं हो, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेड सल्फेट इज प्रोड्यूस एट बोथ इलेक्ट्रोड, देखो दोनों इलेक्ट्रोड पे क्या है, लेड सल्फेट का फॉर्मेशन हो, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड है सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम, देखो सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, जब रिएक्शन क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। और फोर्थ ऑप्शन है वाटर इज फॉर्म, तो देखो वाटर का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो, तो सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एलिमेंट ए एटॉमिक वेट हमें दे रखा है उसका 112, एंड बी एटॉमिक वेट हमें दे रखा है 27, और दोनों के दोनों ही क्लोराइड्स बना रहे हैं हमारे पास। Solution of these chlorides are electrolyzed separately and it is found that when the same quantity of electricity is passed, 5.6 gram of A, A जो deposit हो रहा है हमारे पास वो 5.6 gram है, जी सर। While B जो है वो 0.9 gram deposit हो रहा है, if the valency of B is 3, हमें B की valency दे रखी है, 3 दे रखी है, then the valency of A will be, तो सर हम लोग यहाँ पे Faraday का second law बहुत easily use कर सकते हैं। हमारे पास में Faraday का law जो है वो कहता है कि जो भी weight deposited है अपॉन उसका इक्विवेलेंट वेट, ये मैं W1 ले लेता हूँ, इट वुड बी इक्वल टू W2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमारे पास में बराबर होंगे। यहाँ पे वेट जो है, अच्छा इसको भी इक्विवेलेंट को भी हम लोग ये लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट की जगह हम लोग उसका मोलर मास ऑफ 1 × valency of 1, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इसका W2 अपॉन मोलर मास ऑफ 2 × उसका वैलेंसी फैक्टर सेकंड का। अब देखो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें ए का एटॉमिक वेट जो है वो 112 दे रखा है, हमें ए कितना डिपॉजिट हो रहा है वो दे रखा है 5.6 ग्राम, तो 5.6 ग्राम ए डिपॉजिट हो रहा है वो मुझे दे रखा है, ए की वैलेंसी हमसे पूछी गई है, हम लोग इसको एक्स मान लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास 112 बिल्कुल हम लोगों को दे रखा है। उसके बाद में बी के लिए हम लोग देखें तो बी का 0.9 ग्राम बी डिपॉजिट हो रहा है वो मुझे दे रखा है, बी की वैलेंसी मुझे 3 दे रखी है,
और बी का एटॉमिक वेट मुझे 27 दे रखा है। बस यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, केवल और केवल x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, x की वैल्यू हमारे पास में 2 आ जाएगी, मतलब जो a है उसकी वैलेंसी हमारे पास 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इफ एन एक्वस इनिशियल सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग ए करंट 5 एम्पीयर करंट देर के और टाइम कितना दे रखा है 200 मिनट, वॉल्यूम ऑफ CO2 इन लीटर प्रोड्यूस अंडर एसटीपी कंडीशन। तो इसके अंदर देखो फैराडे F की वैल्यू दे रही है 9600 कूलम, तो इसमें फैराडे का फर्स्ट लॉ लागू होगा। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, वेट अपॉन इफ्लुएंट वेट इज इक्वल टू I इनटू T अपॉन 9600 कूलम। जनरली वैल्यू 96500 होती है, बट हमें वैल्यू जो दे रखी है हमें वही लेनी पड़ेगी। V अपॉन V, ये V क्या है, इफ्लुएंट वॉल्यूम है उस गैस का, और यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, क्लोरीन गैस, जिसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम 11.2 लीटर। और यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एसटीपी पर। तो देखो करंट कितनी देर की आपको 5 एम्पीयर और टाइम कितना देर का 200 मिनट, मिनट को आप किस में कन्वर्ट करोगे सेकंड में, अपॉन 96000 इक्वल टू वी, वॉल्यूम आपसे पूछा एसटीपी पे और इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना 11.2 लीटर। जब इस V को आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आएगा 7 लीटर, तो 07 आंसर हो जाएगा, उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल, तो बच्चों ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड गुरु नीति सॉल्व हुआ। हम लोगों ने कोशिश की कि सारे हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट है वो हमारे वापस रिवाइज हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ऑन, स्टे हेल्दी, जय सी एल सी।